अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी किचन में बनाएंगे बीफ का पाया। हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे। कुकर में हम सारे पाए को अपना ऐड कर लेंगे। तो इसमें हम नली, खुर और ढुकसा सारे चीज़ों को हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा दो पाया है, तो हम इस सारे चीज़ों को ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे और 2 तेज़पत्ता दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की अनियन को स्लाइसिस में कट कर लिया था, इसको भी हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और 200 ग्राम हमारा सरसों का तेल है, इसको भी हमने ऐड कर लिया इसके अंदर। 1 गिलास हमने पानी इसमें ऐड कर लिया है, इसको कवर कर लेंगे। 2 से 3 सीटी आने तक इसको लो फ्लेम पर 45 मिनट हम इसको कुक कर लेंगे, ताकि पाया हमारा टेंडर हो जाए। पाए को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और पाया हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। तो चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। तो तेल हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। 2 मीडियम साइज़ की अनियन को हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था, इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 2-3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है हमने, 25 से 30 कलियाँ लहसुन की ली है, 25 लौंग है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 4 बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून जावित्री है, इसको ग्राइंड कर लिया था हमने, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, 3 चम्मच धनिया पाउडर है और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ग्राइंड कर लेंगे। और प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है, तो ग्राइंड किए मसालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें 4 छोटी इलायची क्रश किया हुआ इसमें हम ऐड कर लेंगे और मसालों को खूब अच्छे से इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हाँ, कुकर में से हम सारे पाए को बाहर निकाल लेंगे। एक एक करके हम सारे पाए को बाहर निकाल लेंगे। काफ़ी अच्छा टेंडर हो गया है, जितना हमें चाहिए था। इसकी अखनी को हम मसालों में डाल लेंगे और इसकी खूब अच्छी से हम भुनाई कर लेंगे। तो इसका पानी जितना था हम इसमें ऐड कर लिया है। इसका प्याज भी हल्का मैश हो जाए, तो 10 से 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसको खूब अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। 10 से 20 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा काफ़ी अच्छा भुन गया है और खुशबू पाए की घर में आ रही है। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होता है, खाने का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। तो मसालों की आप खूब अच्छे से भुनाई किया करिए। हम पाया ऐड कर लेंगे। पाया और मसाला एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से हम इसको भुनाई कर लेंगे, ताकि पाए के अंदर मसाला अंदर तक एंटर कर जाए। इसमें पानी भी ऐड कर लेंगे हम। पानी इतना ऐड करेंगे जितने की हमें ज़रूरत हो। तो हमने पानी ऐड कर लिया है और नमक इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो हमने नमक ऐड कर लिया, इसको मिला लेंगे अच्छे से, इसको कवर कर देंगे। एक बॉयल आ जाने तक इसको लो फ्लेम पे 45 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे। पाए को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसमें से खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखिए हमारा पाया बनकर तैयार हो गया है। तो फ्लेम को अब हम कर लेंगे ऑफ और इसे 10 से 12 मिनट तक हम इसे ऐसे छोड़ देंगे कवर करके, ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। तो बड़ा ही मज़ेदार पाया बनकर तैयार हुआ है हमारा। इसे धनिया पत्ती से हम गार्निश कर लेंगे और कर लेंगे इसे डिश आउट। बड़ा ही शानदार पाया बनकर हमारा तैयार हो गया है। हम धनिया पत्ती से हल्का सा गार्निश कर लेंगे। तो ये नान, चपाती रोटी, तंदूरी रोटी साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। खाओ पियो मजे करो, खुश रहो।